इक्वल टाइम प्रचार करने को नहीं मिल पा रहा है, ये भेदभाव है। देखिए प्रधानमंत्री जी हमारा देश का सर्वोच्च अधिकारी होते हैं और प्रधानमंत्री जी जब आते हैं तो सुरक्षा का अनुसार उनका कुछ व्यवस्था किया जाता है और जो एयर ट्रैफिक है आधा घंटा के लिए इसको ब्लॉक किया जाते हैं, यह नियम सबको मालूम है। तो इसीलिए जब भी जैसे हमारा असम में भी अगर प्रधानमंत्री का चुनाव का कार्यक्रम होगा कोई दिन, हम लोग दूसरा जगह में वो दिन कार्यक्रम करता हूँ। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तो सुपे नहीं होता है, सीएम ऑफिस में भी आते हैं, सब जानते हैं, और उसी तरफ सारे लोग अपना अपना शेड्यूल बना लेते हैं। ये बाद में अगर प्रधानमंत्री का सुरक्षा का विषय भी हेमंत सोरेन जी राजनीति का विषय बनाना चाहते हैं तो आप मान कर चलिए वो कितना नर्वस हो चुका है। किसलिए लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री आया होगा, वो समय तो हेमंत सोरेन जी ने या जेएमएम ने तो ये नहीं बताए थे, आगे का 2019 में भी ये हुए थे तब भी ये कंप्लेन नहीं किए थे, 2016 में भी प्रधानमंत्री आए होंगे तब भी ये कंप्लेन नहीं किया होगा। आज कंप्लेन करने का कारण एक ही है, वो जान चुका है कि अभी वो हारने वाला है, कोई उपाय नहीं है उनका सामने, तो इसीलिए ये काम कोई बहाना ईवीएम जैसा कुछ बहाना बनाने का वो कोशिश कर रहे हैं। सर गुलाम अहमद मीर जो प्रभारी है कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि हर चुनाव के समय एक जुमला होता है बीजेपी की तरफ से, जैसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन था और अब यहाँ पे यूसीसी की बात कर रहे हैं। देखिए यूसीसी जुमला कहाँ, ये तो उत्तराखंड में हो ही चुका है, तो मीर जी ज्यादा समय होटल का अंदर ही है तो उनको बाहर का खबर नहीं मिल रहा है, तो उनको एक बार गूगल करके देखना चाहिए कि उत्तराखंड में यूसीसी देश में हो ही गया है बीजेपी शासित प्रदेश में, तो बहुत ज्यादातर समय चुनाव का समय वो होटल का अंदर में ही है, तो इसीलिए उनको बहुत ज्यादा खबर नहीं मिल रहा है। सर यहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बीजेपी के लोग बांग्लादेशी घुसपैठ की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी के खुद की जो साठगांठ है वो बांग्लादेश है, तभी तो वहाँ के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर शेल्टर। अरे भाई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को शेल्टर देना और घुसपैठियों, ये दो क्या विषय एक है? एक प्रधानमंत्री को शेल्टर देना उनको कोई भी कारण में, और लाखों लाख घुसपैठियों को बुलाना और वो भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ये क्या एक विषय है क्या? सर हम केरला से हैं। सर एक क्वेश्चन और, सर कनाडा में जिस तरह से हमले हुए हैं प्रधानमंत्री जी ने भी तीव्र भर्त्सना की है। देखिए जब हमारा जो वैदेशिक नीति होता है फॉरेन पॉलिसी होता है उनका ऊपर प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, वैदेशिक परिक्रमा विभाग जो होता है वो अनुष्ठानिक टिप्पणी करता है, तो ज़्यादातर हम लोग वो विषय में जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है शायद हम लोग को बोलना ठीक नहीं होते हैं। देश का प्रधानमंत्री जो ही बात बोला है कंडेम किया है वो पूरा देशवासियों का ओर से किया है।